हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग की एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और वो संडे को होना है। आइए देखते हैं डेमो टेस्ट फर्स्ट का पहला सवाल कह रहा है। द करेंट इन द सर्किट विल बी, हमसे क्या पूछ रहा है? करेंट पूछ रहा है इस सर्किट का, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्स बायस में, तो इसमें तो करंट कोई फ्लो करेगा नहीं, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, इसमें फ्लो करेगा। क्या होता है करंट? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है? 5। रेजिस्टेंस कितना है? 20 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा? 5/50। कितना हो जाएगा? 5/50। कौन सा आंसर हो रहा है? सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है साइंटिस्ट से दैट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विच वर्क एट ए सोर्स टेम्परेचर इतना एंड श्रिंक टेम्परेचर इतना इज इतना, ठीक है। देन इट इज इम्पॉसिबल, क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमें सोर्स का टेम्परेचर कितना दिया है? इतना, और श्रिंक का इतना। तो देखते हैं इस इंजन की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1। 1 - श्रिंक का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री। इसमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 300/ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 400। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - इधर कॉमन की ये 400, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 - 300/400 इसकल टू 100/400। 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 1/4, यानी 25% के बराबर। तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? 25%, और ये क्लेम किया है कितना? 26%। तो ये क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? कभी नहीं पॉसिबल हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द आउटपुट पावर इन द रियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप के लिए क्या होता है? V2/V1 > 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट जो पावर होगा वो पहले से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें आयरन लॉस हो सकता है, ठीक है। इसमें हीट डेवलप होगा तो आयरन को लॉस करेगा। तो हमारा हमेशा आउटपुट का पावर की पावर जो भी आएगा वो इनपुट से क्या आएगा? कम आएगा। तो ये क्या हो सकता है? लेस देन द इनपुट पावर। देख लो एक बार आंसर अच्छे से, कौन सा आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, कह रहा है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट क्या होता है? M = IA के बराबर, ठीक है। I क्या होता है? करंट। इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर। A क्या होता है? एरिया। एरिया का कितना होता है डायमेंशन? L² के बराबर। देखते हैं किसमें है, M0, L² T0, A^1, ठीक है। हमारा पहला ही ऑप्शन हो गया, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए ट्रेन एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग एक्सिलरेशन इतना, एक कोई ट्रेन है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। U = 0 से एक्सिलरेशन कितना है? A = 2 m/s। सिमरन इज 96 मीटर बिहाइंड। सिमरन कितना ट्रेन से पीछे है? 96 मीटर। यहाँ पे सिमरन है। फिर कह रहा है द ट्रेन एंड स्टार्ट रनिंग विथ स्पीड वी टूवर्ड्स द ट्रेन, ये कितने से स्टार्ट कर दी? वी से। इफ सी कैच द ट्रेन इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में ये क्या कर रही है? ट्रेन को कैच कर रही है। देन वैल्यू ऑफ
इसकी स्पीड उस टाइम क्या होगी, ये कितने स्पीड से चलेगी कि ये ट्रेन को 8 सेकंड बाद कैच कर लेगी। तो 8 सेकंड बाद देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस चला होगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर at स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा इनिशियल 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 64 मीटर। तो सिमरन कितना चली होगी, ये दोनों डिस्टेंस 96 प्लस 64, तो इसका क्या हो जाएगा स्पीड v अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना 8 सेकेंड, कितना चली है 8 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 0 और 9 6 15 1 16 8 20 मीटर पर सेकेंड। तो सिमरन की स्पीड क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, किसको कट कर रहे हैं स्ट्रिंग को, गिव द सिस्टम इन इनिशियली इक्विलिब्रियम, सिस्टम पहले कैसे था इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और सबके मास क्या है सेम है, तो ये अगर इसका मास देखा जाए mg इक्विलिब्रियम में जब होगा, इसका कहां लगेगा mg, इस पे नीचे tt, ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इधर ये कितना लग रहा होगा टेंशन, ये हमारा लग रहा होगा mg और mg 2 mg के बराबर, ठीक है, जब हम इसको कट करेंगे तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा 2 mg और नीचे की तरफ कितना इस ब्लॉक का लग रहा होगा mg, तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं 2 mg जब इसको कट करेंगे तो इस पे 2 mg कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ माइनस इसका mg नीचे इक्वल टू एम ए, हमसे एक्सेलरेशन ही पूछा है, 2 mg से mg गया mg बाई m, m से m कैंसिल, a इक्वल टू कितना आ जाएगा g के बराबर। तो हमारा b ब्लॉक जो है वो g एक्सेलरेशन से कहां जाएगा ऊपर की तरफ, कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करें द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल स्वीप आउट द सर्किल ऑफ रेडियस इतना, इफ विंड फ्लो विथ वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स एंड द डेंसिटी इज 1 kg/m² द मैकेनिकल पावर रिसीव बाय द विंड, ठीक है, पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा dW/dt, पावर क्या होगा dW/dt, और वर्क को क्या लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बाई डीटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, इसको लिख सकते हैं डी हाफ एम वी स्क्वायर बाई डीटी, तो ये क्या हो जाएगा हाफ डी एम बाई डीटी वी स्क्वायर, डी एम बाई डीटी को क्या लिख सकते हैं रो ए वी के बराबर, क्या लिख सकते हैं रो ए वी के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 रो ए और वी वी क्यू के बराबर, ठीक है, हमें क्या दी गई है रेडियस दी गई है, तो रेडियस को क्या कर, एरिया को क्या कर देंगे, इस एरिया को कन्वर्ट कर देंगे हाफ रो पाई आर स्क्वायर वी क्यू, अब वैल्यू रखते हैं देखते हैं कितना आ रहा है पावर, पी इक्वल टू 1/2 वेलोसिटी कितनी है 2 का क्यूब इंटू डेंसिटी कितना है 1 इंटू
पाई, और रेडियस कितनी दी गई है 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक कैंसिल, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 100, तो ये कितना हो गया 400 पाई के बराबर, कितना हो जाएगा 400 पाई के बराबर। देख लो कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड देख लो अच्छे से एक बार, नेक्स्ट कर रहा है इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो बोथ एट सेंटर एंड इनफाइनाइट, ये दोनों बस ये दोनों चीज सही है, ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे भी और इनफाइनाइट दोनों जगह पे क्या होती है जीरो, ठीक है ये तो सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो बोथ एट सेंटर एंड इनफाइनाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनफाइनाइट पे तो जीरो होती है बट सेंटर पे कितनी होती है -3/2 gm / r के बराबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, पोटेंशियल एनर्जी इज सेम बोथ एट सेंटर एंड इनफाइनाइट नॉट जीरो, जबकि हमारा इनफाइनाइट पे क्या होता है जीरो, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत। पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है -3/2 gm / r, मैक्सिमम कहाँ होता है हमारा इनफाइनाइट पे, पोटेंशियल कहाँ मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट पे, तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट कर रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है विथ वेलोसिटी इतना, इतनी वेलोसिटी से अर्थ सरफेस से किसी पार्टिकल को फेंका गया है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हाइट मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है तो इनिशियल हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा -gmm/r प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी -gmm/r + h, और हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, तो यहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, जीएम बराबर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं gr²m/r, एक आर से एक आर कैंसिल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं 4gr/3 के बराबर, 4gr/3 के बराबर, इससे ये 2 कैंसिल इक्वल टू माइनस gm की जगह क्या लिख सकते हैं gr²m/r + h के बराबर, यहाँ से कॉमन करें 3 तो ये कितना हो जाएगा 3gm, ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा -3gmr - 3 कॉमन किया है यहाँ से तो -3gmr + 2gmr इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा -gr²m/r + h के, ठीक है तो ये यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ से लेके आए यहाँ तो -gmr/3 इक्वल टू हो जाएगा -gr²m/r + h, ठीक है gm से माइनस gmr से gmr कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा क्रॉस कराने के बाद 3r = r + h, तो h इक्वल टू कितना आ गया है 2r के बराबर, ठीक है तो मैक्सिमम कितना जाएगा 2r के बराबर, कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट कह रहा है टू आइडेंटिकल रॉड आर ज्वाइंट एट देयर मिडिल पॉइंट द एंड आर मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट
एट इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। हमें कहाँ का पूछ रहा है, जंक्शन का टेम्परेचर पूछ रहा है। मान लो यार जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, थीटा, ठीक है। तो हीट करंट से देखते हैं ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है इसका, 180 माइनस थीटा अपॉन सबका रॉड का लेंथ क्या है, सेम है, तो सबके रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। इन लोग के लिए थीटा माइनस 75 अपॉन आर प्लस थीटा माइनस 50 बाई आर प्लस थीटा माइनस 25 बाई आर। आर कॉमन करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, 180 माइनस थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और ये 150 माइनस 150, थीटा को इधर लाए तो 4 थीटा, 4 थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, ये हो रहा है 180 प्लस 150, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 330। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 330 बाई 4, 8 × 32 और 8 × 32 एक बचा, ठीक है, 8 × 32 और यहां कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 4 × 8 और फिर बचा 2, पॉइंट लगाएंगे तो 20 × 5 = 20, 82.5 डिग्री के बराबर, 82.5 डिग्री के बराबर, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है, द ब्लैक बॉडी एमिट रेडिएशन मैक्सिमम इंटेंसिटी एट ए वेवलेंथ ऑफ इतना एंगस्ट्रॉम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इतना, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय इतना, ठीक है, पहले इतना था अब कितना बढ़ गया है और इतना, देन द वेवलेंथ हमसे पूछा है, ठीक है। विंग्स लॉ क्या होता है, लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 t1 इक्वल टू लैम्डा 2 t2 के बराबर। पहले के लिए वेवलेंथ कितना है, 5000 इनटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा केल्विन में, 1200, इसने में 273 जोड़ेंगे तो 1500 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले इतना था और इतना और बढ़ गया तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, मतलब 1500 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 2500 इंटू लैम्डा, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 20 से 20, ठीक है, 25 × 50 15 × 30 3000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। लैम्डा हमारा कितना आ गया, 3000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट करा, इन रेजोनेंस ट्यूब टू सक्सेसिव पोजीशन ऑफ रेजोनेंस आर ऑब्टेंड एट इतना सेंटीमीटर है इतना, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉग इज इतना साइकिल पर सेकंड, देन वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। इनके बीच रिलेशन क्या होता है, इनके बीच होता है v इज इक्वल टू 2f l2 माइनस l1 के बराबर, ठीक है। रखते हैं 2 इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है 500, ठीक है, L2 कितना है 48 सेंटीमीटर में है, वो कितना हो जाएगा, वो हमारा है माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 33 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.33, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 20330 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट
कह रहा है द फिगर सोन टू पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, अगर इसका भी है तो इसका भी क्या हो जाएगा, v एंड b एट द सेम पोटेंशियल कीप एट द डिस्टेंस आर अपार्ट ईच अदर अ पॉइंट चार्ज माइनस q इज टेक, यहां से माइनस q को ले गया गया है, टेक फ्रॉम सरफेस a टू b, a से b की तरफ, द अमाउंट ऑफ नेट वर्क डन विल बी, हमसे नेट वर्क डन पूछा है, w इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस q vb माइनस va के बराबर, ठीक है, माइनस q, इसका और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम, v माइनस v, ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट, कर रहा है, व्हेन अ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ इतना, देन ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन इज इतना, इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज 8 × 10^28 पर मीटर क्यूब, देन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू, हमसे क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी पूछा है, ठीक है, रिलेशन देखते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए के बराबर, रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू बी बाई आई, यहां पर रिप्लेस करते हैं, बी बाई आई इक्वल टू रो एल बाई ए, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी ए के बराबर, रिप्लेस करते हैं, वी अपॉन एन ई वी डी ए इक्वल टू रो एल बाई ए, ए से ए कैंसिल, रो इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन एन ई एल वी डी के बराबर, वैल्यू रखते हैं, वी कितना दिया है, 5 अपॉन एन कितना है, एन हमारा है 8 × 10^28 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10^-19 ड्रिफ्ट स्पीड कितनी दी गई है, 2.5 × 10^-4 ऊपर जाके प्लस 4 इंटू कितना है, एल कितना दिया है, 0.1 यहां रख देते हैं, 0.1 सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, 5 × 10^4 0.1 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, 10, ये कितना है, ये हमारा है 8 × 10^28 × 1.6 × 10^-19 × 2.5 इसको ऊपर ले जाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 50, 25 दूनी 50, ये कैंसिल, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 4, अब इसको लिखते हैं, बचा क्या, बचा हमारा 10^5 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 4 × 10^28 1.6 × 10^-19 इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19 × 5 = 24 तो ये हमारा हो गया 24 और 24 से 28 गया तो ये कितना हो जाएगा, 24 से 28 जाएगा 4 ऊपर जाके माइनस का 4 तो ये हो जाएगा 1/4 × 1.6 × 10^-4 ये पॉइंट हटाए ऊपर तो 8 दुनी 16 5 ठीक है 5 हो गया पॉइंट लगाएंगे ये 5 हो गया नीचे ऊपर 0 वो करते हैं ठीक है ये कितना हो जाएगा 50 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं नीचे ऊपर
फिफ्टी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आठ चौके बत्तीस, बत्तीस एकम बत्तीस, वन पॉइंट कितना बचा अठारह, एक सौ अस्सी यानी बत्तीस पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फाइव, ठीक है, बत्तीस पॉइंट वन पॉइंट फाइव समथिंग आएगा इंटू टेन की पावर माइनस फाइव के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है फोर्थ, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है थ्री रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वैल्यू अरेंज इन द फोर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सोन बेलो द पावर डेसिपेटेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर कहाँ डेसिपेट होगा, सब क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में है, तो पी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर के बराबर, जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही ज्यादा पावर डेसिपेट करेगा, तो इसमें आर कितना है थ्री आर के बराबर, इसका आर देखें तो टू आर आर, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो आर आर टू आर टू आर इंटू इसके साथ क्या हो रहा है पैरेलल में आर अपॉन टू आर प्लस आर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टू आर बाई थ्री के बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर बाई टू, ये दोनों क्या है पैरेलल में, ठीक है, आर बाई टू प्लस आर, तो ये कितना हो गया थ्री बाई टू आर के बराबर। और इसमें कितना होगा आर बाई थ्री के बराबर, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ है इसमें, देन इसमें, फिर इसमें, सबसे लास्ट में इसमें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट कौन करेगा पहला, फिर कौन करेगा, फिर कौन करेगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये कितना हो रहा है आर बाई टू आर बाई थ्री, ये हो गया थ्री बाई टू यानी 1.5, ये कितना हो रहा है सब, उसके बाद किसमें हो रहा है इसमें, देन इसमें, लास्ट में इसमें, कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार। नेक्स्ट कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में हुए तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 400, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये हमारा आ गया 400 कॉमन करें तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट, ये हो गया 1 प्लस 1 2, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 200 के बराबर, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया इसके लिए, इसके लिए आ गया 200 के बराबर, ठीक है, और ये इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों 200 प्लस 100 300, तो इनका इफेक्टिव कितना हो गया 300 के बराबर, और उसके साथ ये क्या लग रहा है सीरीज में, तो सीरीज में लगेगा तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 400 इंटू 300 अपॉन 400 प्लस 300, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इंटू 300 अपॉन 700, टू से टू, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, चार तीन 1200 बटे 7 के बराबर, कितना आएगा हमारा 1200 अपॉन 7 के बराबर, ठीक है 1200 बाई 7 के बराबर, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट हैविंग रेडियाई द रेशियो, इतना रेडियस की रेशियो हमें ये दिया गया है, ठीक है, देयर वेलोसिटी आर इन द रेशियो, ठीक है, हमसे क्या पूछा है वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, ठीक है, तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 is equal to m2 v2, तो ये क्या हो जाएगा m1 upon m2 is equal to v2 upon v1 के बराबर, ठीक है, इसको करेंगे तो
तो इसका कितना हो जाएगा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 का क्यूब। तो रखते हैं कितना दिया है रेशियो 1:2, कितना दिया है 1:2 to the power 3। ये कितना हो जाएगा 1/8, लेकिन हमसे पूछा क्या है V1 अपॉन V2, तो 8:1 के बराबर। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 8:1 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है डी के कॉन्स्टेंट ऑफ रेशियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, विच डिसइंटीग्रेशन टू 10 ग्राम फ्रॉम 20 ग्राम, ठीक है, इन 10 मिनट, मतलब 20 से कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, तो ये हमें क्या दिया है हाफ लाइफ टी हाफ दिया है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ के बराबर। ये कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन 10 इक्वल टू 0.0693 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट अराइविंग ए रिंग एंड डिस्क ऑफ सेम मास रोल विदाउट इस स्लिपिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस द सेम वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग इज इतना देन द डिस्क। हमसे काइनेटिक एनर्जी रिंग का दिया है और डिस्क का पूछा है, ठीक है, तो रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, अगर हम रिंग के लिए देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, रिंग के लिए कितना होता है मूवमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब डिस्क के लिए देखते हैं, डिस्क के लिए ये रिंग के लिए था काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क वो कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस एम वी स्क्वायर बाई फोर, यहाँ से फोर कॉमन करें तो ये कितना हो जाएगा टू प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा थ्री एम वी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इक्वल टू इसके लिए कितना आया था एम वी स्क्वायर अपॉन ये कितना आया है ये आया है थ्री एम वी स्क्वायर बाई फोर, एम वी स्क्वायर कैंसिल ये ऊपर चला गया, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी रिंग का कितना दिया है 16 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इक्वल टू 4/3 ये चौ के 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 4 × 3 = 12 जूल के बराबर, ठीक है, तो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी 12 जूल के बराबर, देख लें फिर अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट ड्यू टू टू वेव, पहली वेव ये दी गई है एंड सेकेंड ये द रिजल्टेंट देयर सुपरपोजिशन विल बी, ठीक है, हमसे पहले क्या पूछ रहा है
बीट पर सेकंड, ठीक है। तो बीट पर सेकंड क्या आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, बीट पर सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 pi f = 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500 पाई के बराबर। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 250 के बराबर। f इक्वल टू इसके लिए कितना आ गया, मान लो ये f1 है, 250 इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए करें तो f2 = ये हमारा हो जाएगा 506 pi / 2, पाई पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 53, ये कितना आ गया 253, ये कितना आ गया 253। तो इनका डिफरेंस क्या होता है, बीट्स क्या होते हैं, बीट्स होता है f2 - f1, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो ये कितना है 253 और ये कितना है 250, तो डिफरेंस कितना आएगा 3 का। तो बीट्स कितने होंगे 3, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम का इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या दिया है, ये और ये, ठीक है। इंटेंसिटी आई मैक्स इक्वल टू क्या होगा, ये होगा a1 + a2 का स्क्वायर अपॉन आई मिनिमम क्या हो जाएगा, a1 - a2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a1 + a2, 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन a1 - a2, a1 - a2 मतलब 4 - 2, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36/4, 9, कितना आ जाएगा 9। देखते हैं किसमें आ रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्वल टू 9, कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से, अच्छे से देख लो सवाल को। नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वायल हैविंग एन टर्न कैरिंग करंट इज बी, इफ ए इज द एरिया ऑफ द क्वायल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द क्वायल इज, हमसे क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है, ठीक है। बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू हमारा होता है सर्कुलर क्वायल के लूप पे μ0/2πr, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2πr μ0 के बराबर, ठीक है। एरिया कितना होता है सर्कल की, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में a/π के बराबर, ठीक है। हमसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, ये कितना होता है आई ए के बराबर, आई कितना है, ये 2πr/μ0 a, और r की जगह पे कितना हो जाएगा अंडर रूट a/π, तो ये कितना हो जाएगा 2πa/μ0 √a/π के बराबर, कौन सा आंसर बन रहा है 2πa/μ0 √4, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ऑसिलेटिंग चार्ज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ पीरियोडिक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, द ऑसिलेटिंग चार्ज जनरेट वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट विच टर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्टेटमेंट ये भी सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों सही है। देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, क्या ये फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है सही से, कह रहा है ऑसिलेटिंग चार्ज आर रिस्पॉन्ड फॉर जनरेशन ऑफ पीरियोडिकली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस और क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है,
तो इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट वन एंड टू करेक्ट होना चाहिए एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट. आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड. देख लो नेक्स्ट क्या रहा है. टू प्लेनो कनकेव लेंस ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ठीक है, इतना का मतलब 3/2 हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर. दे आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट कर्व सरफेस टूवर्ड ईच अदर एंड द स्पेस बिटवीन देम फिल विथ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 द फोकल लेंथ से डेट. ठीक है, तो हम क्या कर लें, कंबाइंड पावर निकाल लें. P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 माइनस ग्लास की 3/2 अपॉन पहले के लिए रेडियस कितना है 20 प्लस सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 3/2 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 30. ठीक है, एक का क्या होगा, एक हमारा, एक की रेडियस हमारी पॉजिटिव होगी तो सेकंड की क्या हो जाएगी नेगेटिव इनटू 100. ठीक है, तो P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, P इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा, यहां से क्या करें 10 कॉमन कर ले तो ये 0, एक 0 को कैंसिल कर देगा, ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहां 6 कॉमन हुआ, 6 और 6 कॉमन हुआ तो यहां से कितना हो गया 6/2 ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस, ये हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 8 अपॉन माइनस 3 इंटू 10 तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1/12 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/18 इंटू 10. इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 36 कॉमन तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 इंटू 10 तो ये हमारा हो जाएगा 50. कितना हो जाएगा 50 माइनस का 50/36 डायोप्टर. ठीक है, ये हमारा पावर आ गया. तो फोकल लेंथ क्या होगी, इनवर्स एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36/50. ठीक है, इनटू किस में है, सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई करा दें, ये कितना हो जाएगा 2 36 दुनी 72 कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर के बराबर. कौन सा आंसर हो गया, सेकंड. देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट कर है द ट्रूथ टेबल करेक्ट करेस्पॉन्ड इज, ठीक है, ये किसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है, 1-1 पे 0, 0-1 पे 1, 1-0 पे 1, 0-0 पे 1, 1-1 पे 0 देता है, 1-1 पे 0 बाकी सब पे 1, ये किसका होता है, नैंड गेट का होता है. ठीक है, किसका होता है, नैंड गेट का होता है. और क्या होता है, 0-0 पे 0 देता है बाकी सब पे 1 देता है, नॉट गेट 0 पे 1, 1 पे 0. ठीक है, नॉर गेट 0-0 पे 1 देता है बाकी सब पे 0 देता है. ठीक, तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट. आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी. ठीक है, एसेशन क्या है, सही है, एसी जो होता है वो कम फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है और डेंजरस होता है डीसी से. डीसी के 3-5 टाइम्स ज्यादा डेंजरस होता है डीसी से. फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी एसी का क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होता है. ठीक, तो स्टेटमेंट दोनों क्या है, दोनों हमारे एसेशन एंड रीजन दोनों करेक्ट. Not is the correct explanation of A. R is the not correct explanation of A. ठीक है,
तो कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये भी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, इसके दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है डी यू इज इक्वल टू एन सी बी डेटा टी इज वैलिड फॉर। ठीक है, ये क्या है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, किसके लिए वैलिड होता है, एडियाबैटिक के लिए भी, आइसोथर्मल के लिए भी, पॉलीट्रॉपिक और फ्री एक्सपेंशन, ये सारे सबके लिए क्या होता है वैलिड होता है। तो फर्स्ट किसके लिए वैलिड होगा, चारों के लिए, चारों के लिए। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कैन चेंज इन, ठीक है, किसके किसके द्वारा टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो ये होता है पॉलियोट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक में। तो बी का क्या हो जाएगा, पी और आर, पी और आर, पी और आर, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू, ये क्या है, फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, ये क्या है, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, सबके लिए वैलिड है। द प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज क्या होता है, जीरो। किसमें होता है, फ्री एक्सपेंशन, किसमें होता है, फ्री एक्सपेंशन और एडियाबैटिक। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है द फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरी विथ डिस्टेंस डी एज शोन इन फिगर, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट 12 meters। ठीक है, 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे कितना वर्क डन होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देता है हमें वर्क डन। तो ये एरिया कितनी हो जाएगी 2 into 4, फिर ये एरिया कितनी हो जाएगी 1/2, 2 into, ये कितना है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया 5, तो हमारी टोटल एरिया कितनी हो गई 8 + 5 13 जूल के बराबर। कौन सा आंसर हो गया फोर्थ, देख ले बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द करेंट इन 4 ohm रेजिस्टेंस शोन इन फिगर, पहला जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द की, जब शुरू में जब क्लोज करेंगे की को, ठीक है, जब इनिशियली क्लोज करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा इंडक्टर, इंडक्टर क्या बिहेव करेगा, ये हमारे सर्किट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है जस्ट टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, प्योर कैसे ये सर्किट कैसे बिहेव करेगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10/2 or 4 6 के बराबर। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द क्लोजिंग ऑफ द की, जब की को कुछ देर बाद क्लोज किया गया, ठीक है, सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद कुछ देर बाद देखा गया स्टडी स्टेट में, ठीक है, तो ये क्या कर, हम इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक वायर से। ठीक है, ये फुल्ली चार्ज हो गया, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक वायर से। तो इसकी और इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी सेम, तो इसकी इसकी पोटेंशियल क्या हो गई सेम, तो यहां से कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा जीरो। कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो एक बार। नेक्स्ट कह रहा है फॉर द गिवन इंसिडेंट रे शोन इन फिगर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द रे रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी, ठीक है, कितना होगा, ये होता है म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + sin² थीटा। तो म्यू प्रिज्म इज इक्वल टू क्या हो गया
वन प्लस कितना एंगल 45 साइन 45 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2 = √3/2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड इतना फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज इतना, ठीक है सेपरेशन कितना दिया है एल 36, ठीक है। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमसे क्या पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन कितना दिया है एम इक्वल टू क्या होता है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ अपॉन आई पीस, ये कितना दिया है 5 इक्वल टू एफओ अपॉन एफई, तो यहां से एफओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एफई के बराबर। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव कितना टाइम्स होगा 5 टाइम्स ऑफ आई पीस, ठीक है। तो सेपरेशन किया कितना दिया है एल इक्वल टू एफ एफओ प्लस एफ ई, कितना दिया है 36 एफओ प्लस एफ ई, एफओ की जगह 5 एफ ई रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 5 एफ ई प्लस एफ ई, तो फोकल लेंथ था 5 पीस कितनी हो गई, ये हमारी हो गई 36/6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमसे किसका फोकल लेंथ पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ आई पीस, तो एफओ कितना हो जाएगा एफओ हमारा हो जाएगा 6 × 5 30 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। एफओ कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर, और ये कितना हो जाएगा 6। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो फिर अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है टू पोलराइड्स आर किप्ड क्रॉस ईच अदर, नाउ वन ऑफ द रोट वन ऑफ इज रोटेट थ्रू एन एंगल 45, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिट थ्रू द सिस्टम, ठीक है कितना होगा, ठीक है आई डैश इसकल टू क्या हो जाएगा आई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा आई बाई टू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आई बाई फोर के बराबर, ठीक है। हमें क्या पूछा है परसेंटेज इंसिडेंट लाइट, ठीक है परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल कितना है आई बाई फोर अपॉन आई इंटू 100, आई से आई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/4 × 100 25% के बराबर, कितना हो जाएगा 25% के बराबर। कौन सा आंसर होगा सेकंड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है, अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज शॉट विद स्पीड वी टुवर्ड्स अनदर फिक्स्ड चार्ज क्यू, द अप्रोच अप टू शॉर्ट डिस्टेंस आर एंड रिटर्न इफ द क्यू शॉट विद ए स्पीड टू वी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच विल बी, ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमसे शॉर्टेस्ट पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जब इनिशियल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv² के बराबर, फाइनली यहाँ क्या है काइनेटिक 0, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी पोटेंशियल हमारी हो जाएगी के क्यू क्यू अपॉन आर के बराबर, तो v² 1/r के बराबर, ठीक है। तो पहले देखते हैं v1 अपॉन v2 का स्क्वायर इक्वल टू r2 अपॉन r1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पहले कितना था v, अब कितना हो गया है 2v,
वी अपॉन टू वी का स्क्वायर इक्वल टू आर टू, पहले कितना था आर, ये इससे कैंसिल, तो ये क्रॉस कराए तो आर बाई फोर इक्वल टू आर टू, कितना हो जाएगा आर बाई फोर के बराबर, कौन सा आंसर हो गया फोर्थ, देख लो बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड देन इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी नॉर्मल टू द लाइन देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है क्या होता है रेडियस आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी के बराबर, ठीक है हमें वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पोटेंशियल के फॉर्म में, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू बी और ये कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी के बराबर, तो यहाँ से हम वी निकाल के यहाँ पुट कर दें कितना हो जाएगा वी इक्वल टू हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं टू क्यू बी बाई एम के बराबर अंडर रूट में, यहाँ रिप्लेस करें तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम अंडर रूट टू क्यू बी अपॉन एम अपॉन क्यू बी, ठीक है इसको अंदर ले चलते हैं रूट के तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एम स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इन टू टू क्यू वी एम ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, एक क्यू से एक क्यू एक एम से एक एम, इसमें बचा क्या टू टू वी एम अपॉन यहां क्या बचा है क्यू बी स्क्वायर के बराबर, कौन सा आंसर हो रहा है टू वी एम क्यू बी स्क्वायर के बराबर आंसर सेकेंड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके वजह से होता है बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कोई ऑप्शन करंट प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड गलत, करंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड गलत, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से, कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स आर बोथ डबल, क्या कर रहा है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर रहा है, तो कह रहा है द सेचुरेशन फोटो करंट रिमेन ऑलमोस्ट सेम, सही है स्टेटमेंट क्या है सही है, सेचुरेशन के बाद क्या करंट बढ़ती है नहीं बढ़ती है ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल, ठीक है कह रहा है दुगुना करने पर यह क्या होता है काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाती है, दुगनी नहीं होती है दुगनी से क्या होती है थोड़ा सा और ज्यादा, ये स्टेटमेंट क्या है गलत, कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज बट नॉट डबल, ये स्टेटमेंट क्या है बढ़ता तो है लेकिन डबल के बराबर नहीं बढ़ता है, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा पहला और तीसरा सही है बोथ ए एंड सी के, बोथ ए एंड सी क्या है सही, कौन सा आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्या रहा है द वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये हमें इक्वेशन दी गई है टी इन इंस्टेंट वर्क फंक्शन ऑफ फोटो फोटो सेल इज फाई देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है क्या होता है E इज इक्वल टू W प्लस K मैक्स, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एच म्यू इक्वल टू फाई प्लस ई वी नॉट, हमसे क्या पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों को E से डिवाइड कर दें तो ये वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा एच म्यू बाई E माइनस फाई बाई ई के
बराबर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अगर हम इससे क्या निकाल लें, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कब अच्छा मिलेगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम तो किसमें है, मैक्सिमम इसमें है 15, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा 2πf इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा के बराबर, और ओमेगा कितना दिया है 15, ये तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 ओमेगा बाई 2π के बराबर। हमारी इफिशियंसी सबसे बढ़िया कहाँ होगी, यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे इतना रिप्लेस कर देंगे, तो इसको रिप्लेस करें तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से, इसको हम यहां रिप्लेस किए हैं। नेक्स्ट, करा करंट गेन बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इतना, ठीक है, कितना दिया है बीटा 50, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर व्हेन यूज्ड टू कॉमन एमिटर मोड इतना ए, रेजिस्टेंस आरबी कितना दिया है 1000 ओम, ठीक है। द पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट फॉर इनपुट पीक वोल्टेज इतना दी गई है, इनपुट पीक वोल्टेज कितना दिया है, ये हमें दिया है, ठीक है। आंसर किसका पूछा है, करंट, कलेक्टर का करंट पूछा है, ठीक है, तो रखते हैं। आई बी इनपुट का करंट कितना हो जाएगा, इनपुट का वोल्टेज कितना दिया है 1.01 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻³, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कलेक्टर का करंट, तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा IB इंटू बीटा, तो IB कितना हो जाएगा, IB हमारा हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻³ इंटू बीटा कितना है 50, इसको 100, ये कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 10⁻³, इसको पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा 5, ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻³, 5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। हमें किसमें दिया है, माइक्रोन में, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 माइक्रो एम्पियर के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा 4th, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी कितना होगा, वीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी इक्वल टू होता है क्यूवी बाई एम टाउ के बराबर, ठीक है। और करंट डेंसिटी जे, जे इक्वल टू क्या होता है आई बाई ए, आई कितना होता है एनी वीडी ए अपॉन ए, एस ए कैंसिल, तो कितना हो गया एनी वीडी के बराबर, ठीक है। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। टाउ इक्वल टू कितना होता है, टाउ इक्वल टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो के बराबर, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, टाउ को इस क्रॉस करा ले तो रो बराबर हो जाएगा हमारा एम अपॉन एन ई टाउ के बराबर, रेजिस्टिविटी ये, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ठीक है, कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, कर ए रिजिड बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक टू ए रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंड गेट द रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ
स्पीड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्ट बाई द वॉल इन द वॉल इन द वॉल विल। ठीक है, हमसे इम्पल्स पूछा है। ठीक, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, v cos 60। ठीक है, ये v है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, इधर कितना हो जाएगा v cos 60। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर हम इधर प्लस मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2 v cos 60 के बराबर। तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो गया हमारा 2v cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा v इज इक्वल टू कितना हो गया v के बराबर। ठीक है, इंपल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंपल्स क्या होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई है v, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा mv के बराबर। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, इन द फिगर कैपेसिटर इज फिल्ड विद इलेक्ट्रिक, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सिंबल। ठीक है, एक्स और वाई के हमसे कैपेसिटेंस पूछा है। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, मान लो इसको सी वन मान लिया, इसको सी टू और इसको सी थ्री। सी वन कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा के वन ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट d बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा k1 a epsilon naught by d। वैसे इसका कितना हो जाएगा c2, इसका हो जाएगा k2 a epsilon naught by d। वैसे इसका कितना हो जाएगा c3, ये हो जाएगा हमारा k3 a by 2 epsilon naught by d के बराबर। ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट ये हमारा आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर, और इसके साथ क्या है पैरेलल, तो नेट C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा C3 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर। रखते हैं कितना हो जाएगा K3 A by 2 एप्सिलॉन नॉट डी प्लस सी वन कितना हो जाएगा के वन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपॉन के वन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस के टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी यहाँ से लेकर क्या कर दें कॉमन, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन करेंगे, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एक ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी से कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा के थ्री ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डी प्लस इधर कितना हो जाएगा के वन के टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी और ये नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के वन प्लस के टू। ठीक है, के वन प्लस के टू ये हम लोग क्या कर रहे हैं ए एप्सिलॉन बाय डी कॉमन कर ले, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कॉमन करें तो इधर कितना बच जाएगा, इधर हो जाएगा K3 by 2 प्लस इधर कितना हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 K1 प्लस K2। ठीक है, K1 प्लस K2 को कॉमन ले तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2 K1 K2 और इसके वजह से K1 K2 प्लस K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2 कौन सा आंसर हो जाएगा, और देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करा, टू जनरेट ए पावर इतना मेगावाट द नंबर ऑफ फिशन ऑफ यूरेनियम इतना पर
मिनट, हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ फिशन पर मिनट, ठीक है, तो क्या होता है नंबर ऑफ फिशन पर सेकेंड कितना दिया है 3.2 मेगा, मतलब 10 की पावर 6 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल, ये दो बार ऊपर ले गए तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू 0, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 प्लस 19, ये 2 से 2 कैंसिल कितना हो गया 17, 2 से 2 ये कितना हो गया 10 की पावर 17, हमसे क्या पूछा है ये पर सेकंड आया, पर मिनट कितना हो जाएगा, पर मिनट हम इससे में क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, 60 इंटू 10 की पावर प्लस 70, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 18 के बराबर, ठीक है, कितना आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर 18 के बराबर, देख लो नेक्स्ट। कर रहा है टॉर्क इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। नेक्स्ट कर रहा है थ्री आइडेंटिकल बल्ब पी क्यू आर, ठीक है, कनेक्टेड ए बैटरी सोन इन द फिगर व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट को हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे, ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस आर आर आर, ठीक, तो कह रहा है Q and R will be bright, मतलब इसमें कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा, जिसमें करंट जितना ज्यादा होगी वो उतना ब्राइट होगा, ठीक है, इनका इफेक्टिव कितना हो गया R by 2, ठीक है, तो यहाँ से मेन सर्किट का करंट यहाँ से निकलेगा I, I, इन दोनों में क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, तो सबसे ज्यादा करंट कहाँ आएगा P के पास, इन दोनों के अपेक्षा, तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा P, तो क्या हो जाएगा Q एंड R विल बी डिमर देन P, कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो नेक्स्ट। कर अन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाने पे प्राइमरी सर्किट का मेन करंट क्या हो जाएगा घट जाएगा, द पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, जब मेन सर्किट का करंट घट जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी क्या हो जाएगा घट जाएगा बिकम लेस, आंसर कौन सा हुआ सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं द चार्ज डिपॉजिटेड ऑन 4 माइक्रो कूलम कैपेसिटर इन द सर्किट, ठीक है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे चार्ज कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो पहले क्या निकाल लें इनका सही इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा दोनों पैरेलल में है तो 6, और ये इसके साथ क्या है सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 2 ये 3 कितना आ गया 3, तो चार्ज कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 36 के बराबर, ठीक है, चार्ज यहाँ से कितना निकल रहा है 36, तो यहाँ मान लो चार्ज कितना गया x, तो यहाँ कितना जाएगा 36 माइनस x, अब क्या करें दोनों पैरेलल हैं तो इनकी पोटेंशियल सेम कर दें, तो पोटेंशियल सेम करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा q इक्वल टू क्या होता है cv, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई सी, तो इसके लिए करें तो इसका कितना हो जाएगा x बाई 2 इक्वल टू इसका हो जाएगा 36 माइनस x बाई 4, ये कितना हो जाएगा 2, क्रॉस कराएं तो ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 36 माइनस x, इधर जाएगा 3x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आ गया 12, जब इधर जा रहा होगा 12 तो इधर कितना जाएगा 36 माइनस 12 इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम के बराबर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा थर्ड. इन फिगर फोर पैरेलल प्लेट आर इक्वल ए एंड बी प्लेसिंग आर अरेंज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, ए और बी का क्या पूछ रहा है, अगर इसकी पोटेंशियल वी है तो ये भी वी हो जाएगा, ये भी, ये वी वन है तो ये भी वी वन वी वन. एक कैपेसिटर ये बना, एक ये, एक ये, तीनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 3C के बराबर. ठीक है, 3, और ये कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर. कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो. नेक्स्ट करा ए स्क्वायर लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एस ओन इन द फिगर. ठीक है, द पावर नीड पुल बाई द फील्ड वेलोसिटी बी, पावर हमें चाहिए. ठीक है, ई इक्वल टू क्या होता है, ई एम एफ बी बी एल के बराबर, तो करंट क्या हो जाएगा आई इक्वल टू बी बी एल बाई आर के बराबर. ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है आई बी एल, तो फोर्स कितना हो जाएगा आई की जगह रख दे तो ये हमारा हो जाएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर. और पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इन फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर के बराबर. बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर के बराबर, कौन सा आंसर हो गया फोर्थ, देख लो. नेक्स्ट कर रहा है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द एस एच एम विथ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम टी, देन द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल टी बाई टू. एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कितने पे, टी टाइम टी बाई फोर पे, तो टी बाई फोर पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, अगर हम इस पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो हमारा सब खेल खत्म हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू में, अगर टी टाइम में कितना एंगल चलता है 2 पाई. ठीक है, कितना चलेगा 2 पाई, तो टी बाई फोर में कितना चलेगा पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू मतलब पाई बाई टू, या ये कितना हो जाएगा पाई बाई फोर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2a साइन पाई बाई फोर का मतलब हो गया 1/√2, यानी ये हो जाएगा √2a के बराबर. तो हमारा कितना आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी √2a अपॉन टी बाई फोर, ये ऊपर चला गया 4√2a बाई टी के बराबर. कौन सा आंसर हो गया फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट कर रहा है, व्हेन अ पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x1 फ्रॉम मीन पोजीशन इट्स वेलोसिटी v1, व्हेन x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन वेलोसिटी v2. ठीक है, तो क्या होता है रिलेशन, v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, इसको डिवाइड कर दो यहां से. ठीक है, इसमें ओमेगा से, तो ये क्या हो जाएगा, पहले से दूसरे को माइनस करें तो v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के बराबर. ठीक है, यहां से v ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर ले तो इसको इधर डिवाइड कर दें तो ओमेगा इस साइड आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के बराबर. हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. ठीक है, ये हमारा ये हो गया. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 पाई एफ के बराबर. ठीक है, तो एफ भी क्या आ जाएगा किसी के
बराबर कौन सा हो रहा है? वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, आंसर सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टेबलाइज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताता है, दोनों को बताता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो फर्स्ट एसर्शन क्या है, ट्रू, एवरी इंसिडेंट फोटोन ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट क्या है, रीजन क्या है, रॉन्ग है। क्या सारे फोटोन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा पाते हैं? नहीं करा पाते हैं, जो वर्क फंक्शन से ज्यादा होते हैं या उसके बराबर होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है। तो एसर्शन तो सही है बट रीजन गलत है, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज ना करेक्ट, आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।